चंडीगढ़ के होटल ललित में आज एक सबसे बड़ा एचआर कॉन्क्लेव 2024 हो रहा है, जिसमें कई जो लोग हैं, कई कंपनीज हैं, कई बड़ी हस्तियां हैं, उन्होंने भाग लिया है। किस तरह से इसका महत्व है, क्या क्या चीजें इस पर डिस्कस हो रही है, हमारे साथ मिस्टर रजनीश जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। असर क्योंकि आज का जो कॉन्क्लेव है काफी बड़ा है, इसमें कई चीजों पर जो है वो विस्तारपूर्व से बातचीत की जा रही है, क्या क्या मेन पॉइंट्स जो हैं वो इस पे आज रखे जा रहे हैं। आज देखिए हमारे यहाँ पे करीब करीब 200 एचआर प्रोफेशनल्स जमा होंगे, काफी अच्छे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं एचआर के। कुछ जो टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे वो है टैलेंट किस तरह मैनेज करें, किस तरह टेक्नोलॉजी को मैनेज करें एचआर में, और तीसरा जो डाइवर्सिटी है लीडरशिप में उसके ऊपर भी काफी कुछ हमारा चर्चा होगा यहाँ पे। उसके बाद बहुत ही खास हम लोग इनिशिएटिव लेके आए हैं, जिसमें कि हम लोग बेस्ट एचआर टीम्स जो इस रीजन में हैं उनको हम रिकग्नाइज भी करेंगे आज शाम को। ठीक है सर, एचआर टीम की जैसे आपने बताया प्लानिंग्स, किस तरह से जो है वो रोड मैप तैयार किया गया है, और किस तरह से, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, आईटी हब है, बड़ी कंपनीज हैं, उनको लेकर किस तरह से जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जैसे आपने बताया कि प्लानिंग्स को लेकर या और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, उस पर आज चर्चा। देखिए बहुत ये हमारा जो जर्नी है पीएचडी चेंबर के साथ, मैं सिंपली ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, उनका फाउंडर हूं, हम लोग यहां पे नॉलेज पार्टनर बन के आए हैं, और हम लोग ये चौथा साल हमारा एडिशन है। तो हमारा ये अटेम्प्ट रहा है कि हम लोग यहां पे जितनी भी संस्थाएं हैं उनको एचआर का महत्व समझाएं, और एचआर मान के चले ऐसी एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हर एक कंपनी का दामोदर सेटल होता है, उनके ऊपर निर्भर होता है। और ये बहुत जरूरी है कि आप मैन पावर को किस तरह प्लान कर रहे हैं, उनको किस तरह हायर कर रहे हैं, उनको किस तरह ट्रेन कर रहे हैं, और अंत में उनको किस तरह एंगेज और रिटेन कर रहे हैं। तो ये मान के चलें ये सारा कुछ हमारा आज चर्चा होगा। सर किस तरह के चैलेंजेस जो है वो आप देखते हैं, जैसे आपने बताया कि पूरी एक प्लानिंग के तहत चलना होता है, क्योंकि एचआर कह सकते हैं कि एक तरह से रीढ़ की हड्डी होता है, किस तरह से चैलेंजेस आप देखते हैं और आज के समय में? देखिए चैलेंजेस के तौर पे अगर पूछेंगे तो टैलेंट का ही अगर आप देखेंगे, अच्छे टैलेंट मिलना एक चैलेंज है, उनको फिर ट्रेन करना, उनको रिटेन करना बहुत चैलेंज है, उनको रिवॉर्ड करना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। सो दिक्कतें बहुत है कंपनीज को, छोटी होती हैं कंपनीज उनको अलग दिक्कतें आती हैं, मिड साइज बिजनेसेस हैं उनको अलग दिक्कत आती है, और यस जितनी एस्टैब्लिश कंपनीज हैं उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज होता है टैलेंट को अट्रैक्ट करने और रिटेन में। बट यस हम लोग को ज्यादा देखना है कि हम छोटे कंपनीज को, मिड साइज कंपनीज को कैसे सपोर्ट कर सकें। तो सर किस तरह का सहयोग जो है वो मिल रहा है छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज, आईटी हब, क्योंकि चंडीगढ़ की अगर हम बात करें जहां हम मौजूद हैं आईटी पार्क, ये बहुत बड़ा हब है, इसके साथ साथ मोहाली की अगर हम बात करें वहां पर भी एक आईटी हब जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ट्राई सिटी में आप देखेंगे काफी डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट और होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलने से काफी कंपनीज यहां पर अट्रैक्ट होंगी और साथ साथ टैलेंट भी अट्रैक्ट होगा। कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप किस तरह बहुत अच्छे एचआर के प्रैक्टिसेस लाते हैं, ताकि आप टैलेंट को यहां अपने पास रोक सकें और उनको कहीं ना कहीं उनको करियर ग्रोथ दें, ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें। सर जैसे आज यूनिक एक एचआर कॉन्क्लेव किया जा रहा है, आगे की रणनीति कुछ तैयार की है कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग सेशन, किस तरह से प्लानिंग, किस तरह से टैलेंटेड, ये सारी चीजों को लेकर? बिल्कुल, देखिए हमारी जो संस्था है सिंपली ग्रुप, वो इसी काम से काम में हम लोग 14 साल से जुड़े हुए हैं, और हमारा काम यही है कंपनीज को एडवाइस करना, उनको कंसल्टिंग करना, और उनके लीडरशिप के साथ जुड़ करके काम करना, उनके लिए सिस्टम्स, प्रोसेसेस, पॉलिसीज लाना। तो ये सारा कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग काम करते हैं। तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया कि सिंपली ग्रुप एक टैलेंटेड की अगर हम बात करें या प्लानिंग या किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाता है, और एक एचआर बहुत ही एक अहम रोल होता है एचआर का, एक किसी भी छोटी कंपनी हो या बड़ी हो, आईटी हब हो, बड़ी इंडस्ट्रीज हो, एक एचआर का एक बहुत बड़ा रोल इसमें सामने आता है कि किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से सारी तैयारियां करनी है। इसीलिए आज का जो कॉन्क्लेव है, और जैसे सर ने बताया सिंपली ग्रुप के रजनीश जी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह से प्लानिंग की जाती है, आज उस पर काफी डिस्कस हुआ, और आने वाले दिनों में और भी जो ग्रुप्स हैं, और भी जो बड़ी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं, उसके साथ जुड़कर पूरी प्लानिंग जो है वो की जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन सरमप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, विजय टीम।